हेलो स्टूडेंट स्टूडेंटेंट टू वॉट क्लास एम जी पी यूनिवर्सिटी सारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा ना भूलें जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए स्टूडेंट अभी खबर है एम जी यूनिवर्सिटी का बड़ा अपडेट बी ए बी एस सी कॉम एम एस सी एम कॉम देख लीजिए अपने सेंटर अभी कहां कहां आपके एग्जाम देने हैं पूरा सेंटर लिस्ट आपको दिखाऊंगा वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीडियो पूरा देखिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए पूरा सेंटर लिस्ट दिखाऊंगा कि कहां किस कॉलेज का एग्जाम सेंटर बना है एमजेपर्सिटी का पूरा अपडेट और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो इंप्रूवमेंट की एग्जाम डेट है वो क्या है न्यू अभी रिवाइज जो नया एग्जाम एक, डेट आया है एम यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी साइड से तो वो भी आपको दिखाऊंगा इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि थर्ड सेमेस्टर के फाइन जो फॉर्म भरे जा रहे हैं अब वो साइड प्रॉपरली चलने लगी है तो अपने फॉर्म भरने स्टार्ट कर दीजिए बस अपने कॉलेज से पूछ लीजिए कि आपके जो माइनर सब्जेक्ट या जो भी स्पेशल सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं और बाकी फीस कटवाइए और आराम से अपने फॉर्म भर दीजिए क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए क्या पता कि साइट का फिर फिर प्रॉब्लम होने लगे और लास्ट डेट के बाद में उसका फ़ीस का एक्स्ट्रा चार्ज भी हो सकता है जो डेट चेंज होती है उसके बाद में तो अब उसका इंतजार खत्म कर दीजिए और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि रुक के कीजिए तो अब वो टाइम खत्म हो गया अपने फॉर्म स्टार्ट कर दीजिए भरने अपने कॉलेज में जो भी जानकारी लेनी है उससे पूछने के बाद में बाकी जो कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं अब

अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने कॉलेज का कोड देख लीजिए उसके बाद में यहाँ पर नाम है तो जल्दी जल्दी वीडियो को मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीडियो लंबी ना हो हम आपके लिए बस वीडियो का पर्पस वही है कि आपको सही जानकारी और सही समय पर जानकारी मिल जाए तो आप वीडियो में आराम से बस अपना वीडियो को रोक कर अपना कॉलेज देख लीजिए बाकी गन्ना उत्पादक देखिए सब सारे जितने भी एमजे पीघा यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट अगर आप हमारे चैनल के मेंबर हैं तो आपके पास में ये पीडीएफ में भी पहुंच जाएगा तो आप मेंबर बनने के लिए ज्वाइन कर लीजिए हमारे चनको बॉट निफ्ट क्लास को बाकी देख लीजिए पूरा लिस्ट आप ऐसे भी देख सकते हैं पूरा लिस्ट आराम से बस आपको वीडियो को पोस्ट करना है अपने कॉलेज का नाम देखना है उसके आगे देखना है कि कहाँ सेंटर गया है अपना कॉलेज देख लीजिए सारे कॉलेज जितने भी कॉलेज है आपको एक एक कॉलेज के बारे में यहाँ पे दिख रहा होगा कि कहाँ पे किस सेंटर कौन से कॉलेज पे कहाँ का सेंटर गया है और आपसे कौन से एग्जाम कब कहाँ पे उसके साथ साथ मैं आपको मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीडियो के लास्ट अगर बढ़े रही है मैं आपको वीडियो में लास्ट में ये भी बताऊंगा कि जो न्यू एग्जाम डेट आई है बी ए बी एस सी बी कॉम एम एम एस सी एम कॉम उन सब सब लोगों की वीडियो लास्ट में जो डेट चेंज हो गई है एग्जामिनेशन की तो वो आप उसको भी देख लीजिए ध्यान से जब तक आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि आपके देखिए सेंटर का पूरा मैंने जैसे बताया था आपको कि ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है क्योंकि देखिए एक दो मिनट चार मिनट का वीडियो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि आपकी ये लिस्ट भी चौदह पंद्रह पेज होते हैं तो उन लोग उसको भी थोड़ा मैनेज करना होता है और वीडियो की इतना ही नहीं कि फास्ट की वीडियो आपके समझ में भी ना आए तो इसलिए थोड़ा सा मैंने स्लो किया है कि आप आराम से उसको पढ़ भी पाएँ और फ़ाइनली आपको समझ में आए कि आपके कॉलेज का कहाँ सेंटर गया है तो ये देख लीजिए सेंटर कोड आपके सामने कॉलेज कोड आपके सामने अपना मिक्स कर लीजिए उसके बाद में बच्चे पूछना है कि सर एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा तो फिर क्या अगर देखिए पहले तो एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा नहीं अगर हो नहीं होता है अगर ये इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम का है, अगर एडमिट कार्ड इशू नहीं हो रहा है तो उसका कोई इशू नहीं है आपके पास में क्या है कि एक कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है आपके पास जो एडमिट कार्ड पुराने वाले जो आपने एग्जाम दिए थे ना उसकी एडमिट कार्ड से आप वो एग्जाम दे सकते हैं ठीक है ठीके? तो पहले तो एडमिट कार्ड हो सकता है कि नया जारी ना हो वैसे होते होने चाहिए नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं वैसे इंप्रूवमेंट का होता नहीं है फिर भी अगर आप देख लीजिए नहीं होता है तो आपको वही लेके जाना होगा जो पुराने एडमिट कार्ड आपके पास में है और उसी से आपका मतलब हो जाएगा एग्जाम तो आपके पास एग्जाम के लिए मैंने बता दिया अब एग्जाम की डेट शीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या डेट शीट नहीं चेंज हुई है तो एम जे पी यूनिवर्सिटी की पुरानी डेट शीट को भूल जाइए क्योंकि काफ़ी परेशान हो जाते हैं ना कि पुरानी डेट के हिसाब से वो अपनी तैयारी में लगे रहते हैं और एग्जाम की डेट नहीं आ जाती है तो देखिए ये पूरा चौदह जो पेज थे वो मैंने आपको दिखा दिए उसके बाद में मैं आपको अब ये दिखाता हूँ कि आपके एग्ज़ाम की जो नई डेट शीट जारी हुई है ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग में 11 से 2 और फिर सेकंड मीटिंग में तीन से तीन से छः वाली मीटिंग में तो यहाँ पे देखिए एग्जाम का ती, 21 तारीख से स्टार्ट है 21 दो सन दो हजार तेईस से ये 14 तारीख को ये अपडेट हुआ है ये भी देख लीजिए आप तो यहाँ पे एग्जाम के पूरा मीटिंग और कौन कौन से पेपर आपका कब कब होना है तो इम्प्रूवमेंट वाले एग्जाम सारे पूरी डिटेल में मैंने बताया कि इम्प्रूवमेंट के क्या सेंटर हैं और क्या आपका एग्ज़ाम का डेट है मतलब पूरा एग्जाम शेड्यूल भी और सेंटर लिस्ट भी तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगाओ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे कि सारे लोगों का फायदा हो जाए थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट थैंक यू फॉर कमेंट एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट थैंक यू स्टूडेंट